गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज रविवार है यानी इतवार है। और जैसा कि हर घर में होता है, इतवार को हस्बैंड को कुछ तो भी काम करना पड़ता है किचन में। जो बीबी के लिए मैं आज रेलवे स्टाइल कटलेट बना रहा हूँ। रेलवे कटलेट एक मेरे मन में जो है एक अलग ही भावना है, क्योंकि मैंने मेरे जो जीवन के शुरू के बम्बई के दिन हैं, नासिक बम्बई बम्बई नासिक पंचोटी एक्सप्रेस से ट्रैवल किया है। और उस एक्सप्रेस में मैं वेज कटलेट खाता ही खाता था, इतना मुझे उसका आदत और ये हो गई थी लाइकिंग्स डेवलप, कि हर ट्रैवल में, हर इसमें जर्नी के एंड में मैं वो वेज कटलेट रेलवे पंचोटी के पेंट्री में जाके खाता था। तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ वो पंचोटी में जो खाया था रेलवे के कटलेट्स। तो मैंने पहले जो है बीट रूट और चार दो छोटे बीट रूट और चार पोटैटोज बॉईल कर लिए हैं, मैश कर लिए हैं। ये मेथी की, ग्रीन मेथी है, थोड़ा टेस्ट आता था मुझे, अभी भी याद है। ग्रीन मेथी का टेस्ट एक डिस्टिंक्ट रहता था उसमें, वह है। थोड़ा लहसुन है कटा वाला और कटा वाला अदरक है। ये थोड़े कैप्सिकम मैंने डाल के रखा, मुझे याद नहीं कैप्सिकम रहता था कि नहीं, लेकिन अभी घर में था और कैप्सिकम भी कुछ गलत लगेगा नहीं, इसलिए मैंने कैप्सिकम काट लिया है। कोथिंबीर ये जो ये है ये बाद में सबसे जाएगा, वो थोड़ी मिर्ची है। बीन्स है कटे वाले और ये मटर है, गाजर है। ये सब हम पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। अभी हमने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और थोड़ा वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं। ये वेजिटेबल ऑयल सफिशिएंट होना चाहिए, जिसमें हमारा कुछ ग्रीन चीज़ें जो बॉईल नहीं की है वो पकाने के लिए। तो हम शुरू में गर्म होने देते हैं पहले। तो चलो हम शुरू करते हैं। तेल गरम हो गया है, पहले हम हरी मिर्च डालेंगे। इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, थोड़ी बारीक कटी वाली कटा वाला अदरक डालेंगे। ये शिमला मिर्च जो है मैंने थोड़ा ऑप्शनल अभी डाला है इसमें, ये चीजें हरी है वो बाद में जाएगी। इसमें हम बारीक कटा वाला कैबेज डालेंगे, कैरेट कैरेट ये फ्रेंच बीन्स है, जिसको फरस भी बोलते हैं मराठी में। फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई हम डालेंगे, इससे एक अलग टेक्सचर और ये आता है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में ये एक इम्पोर्टेंट इसमें ऐड हुआ वाला कलरफुल चीज़ें है ये सब। इसको हम हाई फ्लेम पर ही पकने देते हैं। हाई फ्लेम पर 2 मिनट हमने इसको स्टीम कर लिया है, पका लिया है। ये ग्रीन वटाना जो था पीस वो भी हमने ऐड कर दिया।
यही स्टेज के ऊपर हम थोड़ा ये ग्रीन जो मेथी की सब्जी भाजी है ये डाल रहे हैं। इससे एक अलग ही टेस्ट, एक कड़वाहट वाला सुगंध वाला मेथी का जो टिपिकल टेस्ट है वो अपने कटलेट को आएगा हमारे। दोस्तों अभी हम इसमें जो है स्वाद के लिए नमक मिर्ची हल्दी ये डालेंगे। पहले तो मैं थोड़ा नमक डाल देता हूँ मेरे अंदाज से, क्योंकि मेरे को मालूम है इसमें से मेरे 10 कटलेट तो बनेंगे, तो उस हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। हमने थोड़ी हरी मिर्ची डाली थी तीखापन के लिए और अभी लाल मिर्ची भी ऐड कर रहा हूँ। हल्दी डाल रहा हूँ, हल्दी बहुत अच्छी चीज है हेल्थ के लिए। थोड़ा ये धनिया का, धनिया है सूखा धनिया का पाउडर। हमारा घर में बना वाला स्पेशल काला मसाला है, थोड़ा मसाला भी ये स्टेज में मैं ऐड करता हूँ, भून के हो जाएगा, इतना ही काफी है। इसको हम चला देते हैं। दोस्तों आपके भी जीवन में ऐसे रेलवे के ट्रेवल्स और उसमें खाए वाले वो जो पेंट्री के कटलेट, इनकी यादें होगी, सुनहरी यादें। आजकल तो काफी लोगों का रेलवे ट्रेवल बंद ही हो गया है या कम हो गया, ये कोरोना काल में तो रेलवे का ट्रेवल ही बंद हो गया है। इसमें थोड़ा तेल कम दिखा है, मेरा अंदाज जो था कम था, मैं इसमें तेल और ऐड कर देता हूँ। ऐसा हम ऐड कर सकते हैं। हाँ प्रॉपर है, ये अंदाज में कम ज्यादा हो सकता है, हम बनाते वक्त उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सब वेजिटेबल्स जो है अभी पक चुके हैं। ये टोटल स्टार्ट किया तब से अभी तक 7 मिनट हो चुके हैं। इसमें ये गैस के फ्लेम पर फूल के ऊपर रखा है मैंने और पक चुका है। अभी याद होगा मैंने कुकर में पहले 4 छोटे पोटैटोज और 2 छोटे बीटरूट्स को बॉईल कर लिया था, इसको कद्दूकस कर लिया था। ये हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें से भी जो है पोटैटोज में से भी पानी छूटेगा थोड़ा, इसमें भी पानी है, ये इसके साथ उड़ जाएगा, इसका बाप बन के, तो थोड़ा कंसिस्टेंसी मिलेगी हमको, इसके लिए ऐड करने का है। ये पोटैटो है बॉइलिंग जो है बाइंडिंग मटेरियल है हमारे कटलेट के लिए और मेन इंग्रेडिएंट भी है। ये सब चीजें अभी पकी हुई है तो इनको सब इनफैक्ट हमको एक साथ मिक्स करके, मिक्स ही करने का है, ज्यादा कुछ पकाने की अभी जरूरत नहीं है। मैं फ्लेम बहुत कम कर देता हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हाथ से भी मिक्स किया तो भी अभी चलेगा। ये आलू में का पानी उड़ गया है, मुझे मालूम है कि वो अभी ठीक से। ये स्टेज में हम बहुत सारा हरा धनिया डाल देते हैं, इसका अभी डालने से इसका ग्रीन कलर रिटेन होगा।
गैस बंद कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं, सब चीज़ें हमको ठंडा करने का है, क्योंकि अभी गरम गरम कटलेट में बॉल्स बनाते रहेंगे कटलेट के। एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको पसरा रहे हैं और इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने आधा घंटा के लिए। यही हमारा कटलेट का ये मेन इंग्रेडिएंट है, बेस है, जिसके बाद में जाके कटलेट्स का शेप रखेंगे। अब इसको हम थोड़ा पसरा के फ्रिज में रखते हैं आधा घंटा के लिए। जब तक के कटलेट का जो पका वाला वेजिटेबल मिक्स है वो फ्रिज में ठंडा नहीं हो जाता, तब तक के हम कोई बेसिक ग्राउंड प्रिपरेशंस कर लेते हैं। जैसा कि ये हमको घोल लगेगा, एक मैदा है उसमें थोड़ा नमक डाला हूँ मैंने, लाल मिर्च डाला हूँ, इसको घोल बनाएंगे पानी डाल के। ये ब्रेड क्रम्स रेडी रखे हैं मैंने, और आपने ट्रैवल किया होगा, मैंने तो पंचवटी एक्सप्रेस में, पंचवटी एक्सप्रेस नासिक से सुबह छूटती है बम्बई के लिए, शाम को बम्बई से नासिक के लिए छूटती थी, काफ़ी ट्रैवल किया उसमें ही खाया था काफ़ी कटलेट्स रेलवे के। तो वो स्लाइस के एक साइड में पहले बेस में बटर लगा लेते थे, ये बटर है, चाकू से लगाएंगे, और उसके ऊपर जो है टोमेटो सॉस लगाते थे, ऐसे दोनों साइड में लगाते थे। और ये जो है एक पेयर दोनों साइड में लगाने का, तो ये एक पेयर वो एक कटलेट के साथ देते थे, और ऐसा एक डिश में दो कटलेट और दो पेयर स्लाइस आती थी। एक साइड में हम पहले ये लगाएंगे अपना बटर, उसके ऊपर लगाएंगे टोमेटो सॉस, ऐसा हम बना के रखेंगे। तो ये जब तक के हमारा मिक्स ठंडा नहीं होता तब तक के यूटिलाइज करके टाइम हम। रुचि मदद करे मुझे घोल बनाने में, रुचि कंसिस्टेंसी जो भजिया की होती है उतना ही, भजिया की जो होती है उसे थोड़ा पतला। हमको पहले इसमें जो कटलेट का शेप दिया वाला गोला है पहले इसमें घोलने का है, पूरा ड्रिप करने का है, उसके बाद में ब्रेड क्रम्स में करना है। ये स्टेजेस आगे दिखेगा हमें। हमारा बटर जो था वो थोड़ा स्टिफ था, और स्लाइस के ऊपर घूमने के लिए इतना कंसिस्टेंट ये नहीं था, वो पिघला नहीं था। हम माइक्रोवेव में थोड़ा उसको सॉफ्ट कर लेते हैं, कितना 5 सेकंड के लिए। अभी हम बटर लगा रहे हैं, पहले बटर लगा लेते हैं सब पेयर्स को, क्योंकि ये स्लाइस पेयर में जाती है। ये काम वहाँ का रेलवे का जो पेंट्री कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत, देखिए रखने के वक्त जो बटर साइड है वो अंदर रखा है, ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हमारे सामने इतना स्मूथली करता था कि हमें देखने को वो मज़ा आता था। फटाफट 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 वो बटर लगाता था, उसके बाद में वो स्लाइसेस को जाम लगाता था, अपना टोमेटो सॉस लगाता था। तो इस तरह से हम सब पेयर्स रेडी कर देंगे, पहले बटर लगा के फिर टोमेटो जाम सॉस लगा के। ये पेयर्स में हमारा अभी एक साइड में बटर लगा के हो गया है, अभी इसको टोमेटो सॉस वही पेयर्स को जिस साइड में बटर लगा है उस साइड पे लगा लेते हैं। इसे खट्टा मीठा और बटर का ये एक मिक्स टेस्ट जो है कटलेट में, कटलेट का खुद का एक बहुत अलग टेक्सचर, टेस्ट, इंग्रेडिएंट्स जो है वेरियस, उसका सबका टेस्ट एक गजब का मज़ा, गजब का ये एक एल्यूरिंग टेम्पटिंग ऐसा एक टेस्ट रहता है वो। और जो गरम गरम मिलता था पंचवटी एक्सप्रेस में, तो एक हम भूखे पैसे रहते थे उस वक्त, क्योंकि दोपहर का खाना ऑफिस में 1 बजे होता था और हम रात को पंचवटी वापस की पकड़ते थे, रात को वो कभी भी पहुंचती थी। पंचवटी एक्सप्रेस शुरू में सुपर फास्ट नहीं थी, बम्बई से जाते थे तो रात को वो कभी भी 12 बजे 1 बजे कभी भी पहुंचती थी, तो हम खा लेते थे गरम गरम, बहुत
एक ऐसी यादें हैं उसकी। तो इस तरह से हम पहले हमारे स्लाइस के पेयर्स रेडी कर देते हैं, और फिर मुड़ते हैं हमारा मेन जो कटलेट बनाने का कोर्स है उसके तरफ। अभी ठंडा हो चुका होगा, मैं फ्रिज की तरफ से देखता हूँ। ये फ्रिज में से ठंडा किया हुआ आधा घंटा रखा था, इसका कटलेट का पका हुआ मिक्स है, वेजिटेबल और सब आलू बीट्स वगैरह। इसको हम अच्छे से नीड कर लेते हैं, एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसका मैं थोड़ा नमक चेक कर लेता हूँ। परफेक्ट, नमक मैंने चेक कर लिया। ये जो है इसके अभी मिक्स कर हो गया है, इसके हम पहले ऐसे गोले बना लेते हैं एक यूनिफॉर्म साइज के, क्योंकि कटलेट का एक साइज भी है, नियरली फिक्स है पूरे इसमें इंडिया में रेलवे में। वो शायद कुछ ग्राम के ऊपर रहता था कि इतना 60 ग्राम का एक कटलेट और फिर 40-40 ग्राम का स्लाइस, ऐसे उनके स्टैंडर्ड्स कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेलवे ने फिक्स किए हुए थे, और उनको वही स्टैंडर्ड से बनाना पड़ता था। अभी भी वही स्टैंडर्ड हो गए या थोड़े बहुत चेंज हो गए होंगे। तो ऐसे पहले हम पूरे गोले बना लेते हैं, फिर उसको कटलेट का शेप देंगे। देखिए ये बराबर आलू और बीट के मिश्रण से, बेसिकली आलू से ये बाइंड होके बराबर गोले बन रहे हैं। ठंडा करना इम्पोर्टेंट था क्योंकि गरम गरम ऐसा बाइंडिंग नहीं मिलता था। तो लो जी, हमारे ये गोले पूरे बन गए हैं। इसमें एक टिप है आपको कि ये जो बन रहे हैं गोले, इसमें कंसिस्टेंसी कभी कभी ऐसी हो जाती है, आलू ज़्यादा हो जाता है, आलू का पानी छूटता है, आलू का पानी हम सुखाते नहीं हैं, तो इस तरह से ये बनते नहीं हैं। तो इस वक्त जो जो ब्रेड क्रम्स है, ये थोड़ा सा एक चम्मच छोटा छोटा चम्मच लेके मिक्स करके देखिए कि वो ऐसे गोले बन रहे क्या। हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी जो कंसिस्टेंसी पकने के बाद मिली है हमें, उस विदाउट ब्रेड क्रम्स ऐड किए हुए ही हम गोले बना सके। अभी नेक्स्ट स्टेप यह है कि ये गोलों को पहले घोल में डुबाने का, एक हाथ से, दोनों हाथ गीला करोगे तो आपको आप ब्रेड क्रम्स चिपकते जाएगा, आपके हाथ में कटलेट तैयार हो जाएगा, तो वैसा नहीं करने का है। एक हाथ से इसमें डालने का है, वो हाथ से ही, गीले हाथ से इसमें डालने का है, दूसरा सूखा हाथ जो है वो सूखा हाथ से इसको करके लपेट के पूरे अच्छे तरह से रख देने का है साइड में। तो देखते हैं हम, ये देखो एक हाथ लिया हमने, इसको फिर से दबा लिया अच्छे से, अभी हम घोल में डालेंगे, पूरे अच्छे तरह से लिपटेंगे, इसको ड्रीप होने देंगे, पूरी तरह से ड्रीप होने देंगे, वही हाथ से डाल देंगे हमारे क्रम में, अभी क्रम उसके ऊपर अच्छे तरह से घोलेंगे। तो ये क्या है, हाथ में जो है हमारा, हाथ में लपेट रहा नहीं है कुछ भी, एक हाथ गीला एक हाथ सूखा, ये साइड में रख दो, अच्छे तरह से लपेटना है ब्रेड क्रम, क्योंकि वो उसमें का जो सूखापन मिलना चाहिए ऊपर के लेयर में, उसको हमको आगे जाके शेप भी देने का है दबा के। ये ड्रिप किया, दूसरा हाथ लिया, ब्रेड क्रम लपेटा, अच्छी तरह से लपेटा, ये साइड में रख दिया। ऐसा हम सब गोलों के साथ करेंगे। गोले को घोल में जो मैदा, थोड़ा नमक और थोड़ी लाल मिर्च, ऐसा यह घोल है, और वो ब्रेड क्रम है, ब्रेड लीजिए उसको मिक्सर में घुमा दीजिए। ऐसा हम पूरा हमारा पहले कटलेट के बेस तैयार कर लेंगे। अभी हमने हाथ साफ कर लिए है, और उसके बाद में जो टिपिकल कटलेट का शेप होता है वो शेप अभी हम ये गोलों को दे रहे हैं ड्राई हाथ से, टोटल ड्राई हाथ, क्योंकि हाथ थोड़े भी गीले रहे तो जो लेयर है वो चिपक जाएगा। इसमें करते वक्त तो, ये शेप देते वक्त तो ये ख्याल रखना है, इसका थिकनेस है यूनिफॉर्म होना चाहिए, किधर ऐसा टेपरिंग नहीं होना चाहिए, साइड में पतला नहीं होना चाहिए।
एक ब्रिक जैसा, लेकिन शेप जो है वो टिपिकल कटलेट शेप दिखाता हूँ मैं ऊपर से। देखिए ब्यूटीफुल, ऐसे सब हम कटलेट को शेप दे देंगे। ये कटलेट तो बनाने मैं निकला था बीवी के लिए संडे को, लेकिन हुआ ये कि सब चीज़ें जो है मेरी वाइफ रुचि कर रही है, अगर मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ कैमरे के पीछे। ये अभी रॉ कटलेट देख के ही, जो तले नहीं है, शैलो फ्राई नहीं किया है, वो देख के ही बहुत टेम्पटिंग बनेंगे और टेस्टी बनेंगे, इसमें कोई दो राय मुझे लग रही नहीं है। इसमें धीरज, टाइम, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें लगती है, तभी हमें वो टेस्ट मिलती है जो हम चाहते हैं। ये जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम है पोहा बना लो, थोड़ा प्याज काट लो, जीरा मोरी डाल दो, पोहा भी का डाल दो, नमक हल्दी, 20 मिनट के आगे, 10 मिनट के आगे, 10-15 मिनट के आगे पोहा को लगा तो उसको हम फॉल्ट समझते हैं, यानी पोहा को 15 मिनट के आगे नहीं लगना चाहिए, भीगा वाला पोहा रेडी रहा तो। लेकिन इसको हमको शुरू से आखिर तक ठंडा करने का जो समय है आधा घंटा, वो लेके प्रिपरेशन लेके सब पकड़ के हमको 1.5 घंटा तो भी कम से कम लगेगा। ये बना के हम फ्रिज में भी ऐसे कटलेट्स रख सकते हैं, ये रेडी है, इसको जब फ्राई करना है, जब खाना है तो खा सकते हैं। ये फ्रिज में अच्छे से रखे ऐसे प्लास्टिक में लपेट के, तो 3 दिन, यानी हमारे यहाँ कोई किटी पार्टी या कोई पार्टी है, मेहमान आने वाले, तो पहले से रेडी करके रखे, तो उन्हें हम गर्मा गर्म कटलेट समय पर भी दे सकते हैं। आई थिंक ये 3 से 4 दिन तक भी फ्रिज में सेफली रहना चाहिए, अच्छे से रखे तो। हमारे कटलेट तलने के लिए रेडी है शैलो फ्राई। इसकी जो डेप्थ है वो 10 mm तक हमने रखी है, और जो शैलो फ्राई के लिए रखा है उसमें 5 mm डीप ऐसा हमारे शैलो पैन में तेल रखा है, तो दूसरे साइड से पलटेंगे तो दोनों मिलके 10 mm तक हो जाएगा, तेल वेस्ट नहीं जाएगा, गरम तेल बार बार होने से वेस्ट होता है, उसकी हेल्थ वैल्यू कम होती है। तो देखिए इस तरह से हमारा तेल का डेप्थ है कि एक साइड से आधा डीप हो, दूसरे साइड से आधा हो। मैं हूँ कैमरे के पीछे और रुचि एक्चुअली एक्शन कर रही है। एक होता हम चार डालेंगे, पांच हुआ भी जा सकता है, लेकिन ठीक है उल्टाने के लिए। इसमें पूरी चीज पकी हुई है, सिर्फ ऊपर का लेयर जो है क्रिस्पी होने के लिए हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। जलना नहीं चाहिए, ये देखना रुचि थोड़ा कम कर। इसको उल्टा लेते हैं एक बार, केयरफुली, जो रेड कलर उसमें बीट का आया है, ब्यूटीफुल। और खाने में लाजवाब हो गया, इसके बारे में तो कोई शंका नहीं है मन में। इसको सर्विंग करने का यह है कि एक प्लेट में दो कटलेट और चार दो स्लाइस की पेयर, यानी टोटल 4 स्लाइस ऐसा सर्व करते हैं। अलग से सॉस देने की ज़रूरत नहीं, टोमेटो सॉस क्योंकि हमने अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी किसी को लगता है तो थोड़ा सॉस दे दीजिएगा। हमारे कटलेट तैयार हो चुके हैं, अभी हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और जो तलने के बाद जो मेथी की सुगंध आ रही है लाजवाब, मेथी मेथी,
वो टर्निंग पॉइंट रहेगा आई थिंक। मेथी पर से याद आया बचपन में, और उसके बाद में से हमको मेथी खीमा में डाल के खाने की, और उसका जो सुगंध आता था खीमा में, मेथी कलेजी नाम का एक और से नॉनवेज हम बनाते हैं, कलेजी मेथी के सब्जी में, मेथी की वजह से वो पूरा गेम चेंजर हो जाता है। तो ये रेडी हो गई हमारी डिश, इसको हम सर्व करते हैं। स्लाइस दो सेट्स रेडी, दो कटलेट रेडी। लो जी हमारा तैयार हो गया कटलेट विथ स्लाइस रेलवे सॉस स्टाइल। हमें लगा है, इसमें डालो, इसमें डालो हाँ और ये हो फिर गया इसको रेडी, उसको खाओ। दबा के, उसमें भी ये वैसी है, इसमें भी, हम अपने स्टाइल से करिए। ये हो गई इंडियनाइज कटलेट डिश, वेज कटलेट, ब्रिटिशों ने ढूंढी थी हमने बना ली।